आई एम विवेक। और चलो आज फिर करते हैं। इसके लास्ट जो वीडियो करी थी हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शंस देखी थी, बेंजीन रिंग क्या क्या रिएक्शन शो करता है। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, दैट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा, और इसके बाद फिर समझेंगे व्हाट डू मीन बाय द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो सबसे पहले ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और कैसे आप इसको समझोगे, इस दो तीन चीजों को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन कौन शो करेगा। तो अगर मैंने लगा दिया हेलोजन, या मैंने लगा दिया ओएच ग्रुप, या मैंने लगा दिया बेटा ईथर ग्रुप, ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या शो करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। एक और इंपॉर्टेंट बेटा, एनिलीन जो NH2 से बनता है, इनके पास भी लोन पेयर है। तो ये सब किसकी तरह एक्ट करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह। होता क्या है उसको मैं समझाता हूँ। ये करते क्या है, तो ये काम करते हैं बेटा कि दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बेटा, तो दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ओके। और क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इसको कैसे समझा सकता है, तो इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। तो इन सभी चीजों को हम थोड़ा सा भी समझने वाले हैं कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है और क्या क्या हो रहा है। इसे लास्ट क्लास जो तुम लोगों ने पढ़ी थी उसमें तुम्हें ध्यान होगा कि मैं क्या करता था कि सिर्फ ये बेंजीन लेता था, ओके, और बेंजीन का मैंने कहा था कि आप इसका नाइट्रेशन करा दें, है ना, आप इसका नाइट्रेशन करा दें। तो जैसे ही आप इस बेंजीन का नाइट्रेशन कराते थे, किसके प्रेजेंस में कराते थे बेटा, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी जैसे ही आप नाइट्रेशन कराते थे आपको मिलता था नाइट्रो बेंजीन। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब मैं बोलूं कि आपको इस बेंजीन की जगह पे मैंने आपको क्या दे दिया है बेटा, मैंने आपको दे दिया है फिनॉल, ठीक है, और बोला गया इस फिनॉल का आप नाइट्रेशन कराएं, फिनॉल का आप नाइट्रेशन कराएं। तो ऐसा देखा गया बेटा कि जब आप इस फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ये रिएक्शन बहुत तेज हो जाती है, बहुत फास्ट होती है, और इतनी फास्ट होती है कि जितने भी ऑर्थो और पैरा है, मतलब ये जैसे आपका यहाँ पे फिनॉल है, एक जितने भी ऑर्थो पैरा पोजिशन है इन सब पे क्या लग जाता है, NO2 लग जाता है। तो इन सब पे बेटा NO2 लग जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, यहाँ पे जब आपने नाइट्रेशन कराया तो एक NO2 लगा, लेकिन जब फिनॉल के ऊपर आपने नाइट्रेशन कराया तो आपने देखा कि जितने भी ऑर्थो पैरा, सबसे पहले बेटा मैं बता दूं ऑर्थो किसको बोलते हैं, तो दिस पोजिशन इज कॉल्ड ऑर्थो, दिस पोजिशन इज कॉल्ड मेटा, ठीक है, और ये नीचे वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग पैरा बोलते हैं। सेम टू सेम ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑर्थो, और ये क्या हो जाता है बेटा, मेटा। तो ये पोजीशंस होती हैं हमारी कुछ जो ऑर्थो पैरा मेटा कहलाती हैं। तो जैसे हम लोगों ने फिनॉल का जब हम नाइट्रेशन कराने गए तो हमने देखा कि ये तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया। इसको हम एक और नाम से जानते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड, ठीक है, आगे की क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे 12th में, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। तो ऐसा क्या हुआ कि नाइट्रेशन में जो हमने इस रिएक्शन को कराया तो NO2 एक जगह लगा, लेकिन जैसे ही हमने फिनॉल का नाइट्रेशन कराया तो यहाँ पे तीनों जगह पे जितने भी ऑर्थो पैरा के पोजिशन थे, सिर्फ ऑर्थो पैरा पे बेटा, मेटा पे नहीं हो रहा देखो, तो जितने भी ऑर्थो पैरा के पोजिशन थे उन सब पे क्या हो गया, NO2 NO2 लग गया। यानी जैसे ही नाइट्रेशन हुआ फिनॉल का, तो ये बेंजीन रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, जो बेंजीन रिंग थी वो हाईली एक्टिवेटेड हो गई, तो बेंजीन रिंग इज एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेटेड किसने किया, तो एक्टिवेटेड किया है बेटा इस फिनॉल में ओ है जो, तो वो कैसे समझोगे क्या नहीं, तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में समझनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं, ये सभी कौन से ग्रुप थे बेटा, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
ग्रुप, यानी जब भी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो वो हमेशा कहाँ पे रिएक्शन दिखाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। क्यों? बिकॉज दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजिशन एंड इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। इन रेजोनेंस से हम इस चीज को समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखना बेटा, यहाँ पे निकल गया था, स्किप हो गया था माइंड से, CH3। तो CH3 भी बहुत ही अच्छा डोनर ग्रुप है। तो दो चीज एकदम दिमाग में फिक्स रखो, क्या याद रखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन कौन कराएंगे, जब भी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा देंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देना, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पे। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ऑब्वियस सी बात है, खुद एकदम कहानी की तरह समझो, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले, तो बेंजीन के पास जाता है, बिकॉज बेंजीन इज हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन बेंजीन पे अगर एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा लो, जैसे फिनॉल बना दिया OH लगा के, NH2 लगा के एनिलीन बना दिया, तो इस केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेंजीन की, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए और अच्छा हो गया, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जहां जा रहा है वहां पर खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, तो खूब अच्छे से जाएगा और सब्स्टिट्यूशन करेगा अच्छे तरीके से। यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हो तो आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हो, इनहेंस भी कर सकते हो। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जब भी डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, जब भी, तो हमेशा कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ऑर्थो एंड पैरा। तो इस चीज को आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आई होप क्लियर होगा। सेम टू सेम एनिलीन के साथ भी अगर आप कराते तो यही प्रोडक्ट मिलता है बेटा आप लोगों को। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थो पैरा पोजिशन। आप समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, जो मैंने रेजोनेंस बताया है, तो उसको समझते हैं थोड़ा। देखो ध्यान से, इसके लिए हम लोग अपना बेंजीन बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं इसको। रुको, ठीक है, लेट अस अज्यूम डबल बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हम लोगों का फिनॉल है, तो ओ के पास क्या होता है बेटा, लोन पेयर, दो लोन पेयर होता है। इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, जैसे ये लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा बेटा, आगे शिफ्ट हो गया। यानी इस डायग्राम को थोड़ा फिर से बनाओ, तो अगले स्टेप में आप इसको कैसे बना सकते हो, तो अगले स्टेप में आप इसको कुछ ऐसे दिखाओगे कि यहाँ पे हो गया है डबल बॉन्ड, ठीक है, OH के साथ, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट किया। जैसे ही डोनेट किया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो, तो यहाँ पे हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे आ गए, ये सेम टू सेम यही है, ये सेम टू सेम यही है। बात समझ आई क्या किया मैंने, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो रेजोनेंस में किस, रेजोनेंस दो तरीके से पार्टिसिपेशन होती है, आइदर थ्रू लोन पेयर, आइदर थ्रू डबल बॉन्ड। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो किसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर के थ्रू। तो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ। जैसे ही डबल बॉन्ड आया, ये जो डबल बॉन्ड था बेटा, एक साथ तो रहेगा नहीं, ये आगे शिफ्ट हो गया, इससे अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। सेम टू सेम अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो अगला स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल बन सकता है बेटा, तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा हम लोगों का, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, ये सेम टू सेम वही रहा OH, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखना बेटा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है। और यहाँ पे अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ये नेगेटिव हो गया था यहाँ पे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आना। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया बेटा, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। अगला क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा कि अब ये वाला जो है बेटा वो यहाँ पे डोनेट कर देगा। देखो सीक्वेंस बाई सीक्वेंस बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो जरा क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड रहा, ये OH रहा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ये कहाँ पे हो गया बेटा, दिस वन। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोबारा इसको दे देगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा। यानी अब देखो, अब देखें तो इस दोबारा ऑक्सीजन को मिल गया, ये OH हो गया, O पे पॉजिटिव चार्ज खत्म। इसको रुको मैं एक तरीके से और बताऊं, ठीक है, यहाँ पे OH लग गया। अब देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ। तो आपने देखा इन सभी डायग्राम्स को देखो बेटा, वन से लेके फोर तक, दिस इज वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, दिस इज नंबर फोर एंड दिस इज नंबर फाइव। अब वन और फाइव को कंपेयर करो, डबल बॉन्ड की जो पोजीशंस थी पाई बॉन्ड की, चेंज हो गई है बेटा बिल्कुल। तो इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। इससे अगर आप ध्यान से देखोगे इन सभी डायग्राम्स में, तो देखो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। यहाँ पे आया,
पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे आया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं वो सिर्फ कहाँ आ रहे हैं बेटा, ऑर्थो पैरा पे। तो यही वाला पॉइंट लिखा था मैंने कि दे इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इज अंडरस्टूड बाई द रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस से समझ सकते हैं, डायग्राम आपने बना के देखा तो OH ने अपना लोन पेयर डोनेट किया और ऑर्थो और पैरा पे क्या हो गया बेटा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इसीलिए ये रिएक्शन हमेशा ऑर्थो और पैरा पे होती है। और इनको हम ये भी बोलते हैं बेटा कि दे आर ऑल्सो नोन एज रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक, तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट इज मेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या है बेटा, सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे इसमें। उसमें कौन लगे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो इसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल्स बताओ, तो चलो देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा बेटा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, CHO लग गया, कीटोन लग गया, ये सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये NO2 हो गया, NO2 हो गया, तो दीज ऑल आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के चलते क्या होगा कि डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है बेटा, तो क्या होगा कि दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, या ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो दे डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। इसको भी समझा जा सकता है, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के चलते इसको भी समझ सकते हो। बेटा बिल्कुल उल्टा केस है, उसमें क्या हो रहा था कि डोनेटिंग ग्रुप आया, डोनेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया। कहाँ पे बढ़ा दिया है, ऑर्थो और पैरा पे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे और वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो सबसे ज्यादा जो विड्रॉ करेंगे वो ऑर्थो और पैरा से करेंगे। तो जब ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया, खुद सोचना, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो उस जगह पे जाना पसंद करेगा ना बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिले। अब ऑर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया, तो वो कहाँ पे जाना पसंद करेगा, मेटा पोजिशन पे, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन अभी भी अवेलेबल होंगे। तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल चलो देखते हैं, जैसे मान लो ये है बेटा हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाते हैं, तो बेंजोइक एसिड हो गया, दिस इज बेंजोइक एसिड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी बना के दिखा सकते हो बेंजोइक एसिड को, कि ये आपका डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बनाओ, ये रहा C, ये रहा OH, और ये रहा आपका CO। तो O जो है बेटा यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। इन टर्म्स कार्बन इलेक्ट्रॉन इससे खींचने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन से कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन। तो कार्बन पे जैसी डेफिशिएंसी आएगी, वो डबल बॉन्ड जो लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वहां से खींचने की कोशिश करेंगे, और जब यहाँ से खींचने की कोशिश करेंगे तो हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने, तो ये रहा आपका सी, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा एंड दे बिकम ओ नेगेटिव, OH का OH रहा, इसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगली बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचा जाएगा, अगली बार इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचा जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे तो फिर यहाँ पे क्या हो जाना है, ध्यान से देखो, तो फिर ये वाला जो पोजिशन था सेम टू सेम यहाँ पे, और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऐसे रहा, ये ऐसे रहा बेटा, ये ऐसे नेगेटिव खींच चुका है इलेक्ट्रॉन, ये OH रहा। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से खींच लेंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचते चले जाएंगे, और फाइनली आप देख रहे हो कि हर जगह, जैसे उसमें ऑर्थो और पैरा पे एक नेगेटिव आ रहा था, दो लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है हर जगह कि यहाँ पे
पॉजिटिव होते जा रहे हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव लग गया, एक पॉजिटिव यहाँ लग गया, दूसरा पॉजिटिव यहाँ लग गया। तो आपने देखा कि इसमें जो पूरा सिनारियो था वो पूरा सिनारियो यहाँ पे बदल गया। तो जैसे जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ रही थी, यहाँ पे देखो हर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, तो यहाँ पे हर ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए यही पोजिशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी कंपेरिजन में ऑर्थो और पैरा के। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ अटैक करेगा बेटा, मेटा पोजिशन पे। यानी अगर तुमसे कोई बोल दे कि आपको ये बेंजोइक एसिड दे रखा है, ठीक है, दिस इज बेंजोइक एसिड, और बोले कि आप इसका नाइट्रेशन कराएं, तो आप क्या बोलोगे नाइट्रेशन में? कि जैसे ही आप इसका नाइट्रेशन कराओगे तो NO2 कहाँ लगना है? NO2 ऑर्थो पैरा पे नहीं लगेगा बेटा, NO2 कहाँ लगेगा? मेटा पे। जब किसी बेंजीन का नाइट्रेशन करा रहे थे तो आप देख रहे थे आप कहीं भी लगा रहे थे। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर, समझ रहे हैं आप? कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा की कम कर देता है और सारी रिएक्शंस कहाँ होने लग जाती हैं? मेटा पे। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। तो आई होप ये तुम लोगों को अच्छे से समझ आया हो। पहले हम लोगों ने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात करी थी, एग्जांपल्स भी लिए थे और ये सारी चीजें मैंने बताई थी, और ये है हम लोगों का बेटा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और नॉर्मली आपसे कोई पूछे सिंपल कि आपको एक एग्जांपल में दे रखा है बेटा कि आपको एक छोटा सा बेंजीन दे दिया, चलो छोटा सा क्या, बेंजीन तो बेंजीन ही होता है, तो ये बेंजीन हो गया, ये आप लोगों को टॉलीन दे दिया, ठीक है, दिस इज टॉलीन, और यहाँ पे बेटा आपको दे दिया नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। बोला कि नाइट्रेशन फास्ट कौन करेगा? अब नाइट्रेशन क्या है बेटा? तो नाइट्रेशन तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आता है और अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाना पसंद करेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल तो वही जाना पसंद करेगा ना जहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये देखो ये डोनेट कर रहा है, जबकि NO2 क्या कर रहा है बेटा, विदड्रॉ कर रहा है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ेगी? ऑब्वियसली बात है टॉलिन पे बढ़ेगी। तो सबसे फास्ट कौन करेगा? ये, और सबसे खराब कौन करेगा? ये। और ये इस पे तो ना डोनेटिंग है ना विदड्रॉइंग है, तो ये एवरेज रहेगा। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, फीडल क्राफ्ट हो गया, जो भी पांच रिएक्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो सभी के सभी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन वही अच्छा करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, ना कि विड्रॉइंग, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। तो आई होप तुम लोग को ये चीज अच्छे से समझ आई होगी, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, दैट इज बेंजीन चेन की रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है? तो इसके क्वेश्चंस को करो, और कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये दोनों टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ना, और इसमें जो भी क्वेश्चंस है इसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करो, सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, ठीक? चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।